हेलो गाइस, तो मेरा नाम है केशव और आप देख रहे हैं EFEPedia और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एप्पल का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये अपडेट आईफोन, आईपॉड टच एंड आईपैड में आया है। और जो इसका जो वर्ज़न है आईपैड ओएस 13.4, तो चलिए आपको दिखाता हूँ अपडेट। चलते सेटिंग्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपैड ओएस 13.4 जो कि 885.2 एमबी का है। तो चलिए आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ किसके बारे में अपडेट। सो आईपैड ओएस 13.4 इंट्रोड्यूसेस सपोर्ट फॉर माउस एंड ट्रैक पैड विथ आईपैड फॉर ग्रेटर प्रिसीजन एंड फॉर नेविगेटिंग द सिस्टम विथ मल्टी टच गेस्चर्स एंड एड्स आई क्लाउड ड्राइव फोल्डर शेयरिंग फ्रॉम द फाइल ऐप एंड न्यू इमोजी स्टिकर्स। This update also contains bug fix and improvements. Some features may not be available in all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software update, please visit this website. तो ये जो अपडेट है वो 13.4, इसमें आपको सबसे पहले तो बताया गया कि इसमें माउस और ट्रैक पैड जो है उसका इसमें फीचर्स दिया गया है ऐड। वैसे माउस का यूज़ तो आप पहले कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें क्या अपडेट में आया कि जो ट्रैक पैड और माउस को आप यूज़ कर सकते हैं एप्पल का जो ऐप्स होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे जो आपका आई मूवी है, पेज हो गया, नोट्स हो गया, कीवर्ड हो गया, उसमें आप इसका मैजिक कीबोर्ड और माउस ट्रैक पैड यूज़ कर सकते हैं। और आपका कुछ अपडेट आया है आई क्लाउड में, आई क्लाउड ड्राइव फोल्डर शेयरिंग फ्रॉम द फाइल ऐप एंड न्यू इमोजीज आए हैं इसमें, न्यू इमोजीज हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें अपडेट को। तो सबसे पहले तो वही माउस एंड ट्रैक पैड सपोर्ट है। दूसरे नंबर पे फाइल पे आया अपडेट, कुछ आई क्लाउड ड्राइव का आप फोल्डर डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं फाइल ऐप से। फिर आपका इमोजीज में है 9 न्यू इमोजीज स्टिकर्स इंक्लूडिंग स्माइल फेस विथ हर्ट्स। फिर आपका मेल में है ऐप स्टोर विथ एप्पल आर्केड। और यही सब है, कीबोर्ड बहुत सारा फीचर्स है, बहुत सारा इस बार अपडेट में आया है 800+ MB का यार, तो बहुत सारा इसमें दिया है और बहुत सारा बग फिक्स भी है, बहुत सारे इम्प्रूव किया है कुछ बग्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डॉटेड जो पॉइंट्स है सारे डॉट में। तो ये अपडेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आपको अपडेट कर लीजिए। सही है, अगर आपके पास आईपैड है या फिर आईफोन होगा तो आपका आईओएस 13.4 होगा, अगर आईपैड है तो आईपैड ओएस 13.4। तो बस आपको ये जो अपडेट है उसको इसके बारे में इन्फॉर्म करना था। तो चलिए मैं आपको अपडेट करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड में लगा देता हूँ, अभी पिन मांग रहा है तो पिन डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ लिख रहा है अपडेट रिक्वेस्टेड, अभी थोड़ी देर में अपडेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया, अबाउट 21 मिनट्स रिमेनिंग। तो अब मैं इसको डाउनलोड करके ही आपको दिखाता हूँ। तो जो हमारा जो अपडेट है वो डाउनलोड हो चुका है और अब इंस्टॉल होने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रिपेयरिंग अपडेट बता रहा हूँ, अभी अपडेट प्रिपेयर होगा सारा फोल्डर, फिर इंस्टॉल होगा। तो मैं इंस्टॉल करके फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाइयों, यहाँ पे मेरा अपडेट हो चुका है आईपैड ओएस 13.4। तो आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके अबाउट, देन देख सकते हैं दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर वर्सन यहाँ पर 13.4 हो चुका है। और सॉफ्टवेयर अपडेट में आईपैड ओएस 13.4 योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट।
तो अब इस अपडेट के बारे में आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, क्या क्या इस अपडेट में आया है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो है कि जो आईपैड ओएस 13 आया था उसमें कोई भी बड़ा अपडेट आने के बाद उसको स्टेबल किया जाता है सब अपडेट्स दे करके, क्योंकि कोई भी बड़ा अपडेट आता है तो उतना कम्प्लीटली स्टेबल नहीं होता है। तो 13 के बाद 1, 2, 3, 4 ये चौथा अपडेट है और अभी तक का सबसे स्टेबल अपडेट यही लगा है मुझे, जिसमें बहुत सारा बग फिक्स किया गया है। और मेनली इसमें आपको दिया गया है जो एप्पल का मैजिक माउस और जो ट्रैक पैड है उसका सपोर्ट है, जो कि अभी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो एप्पल का जो माउस है, मैजिक माउस बोलते हैं, जो मैक के लिए आता है, और ट्रैक पैड जो है वो उसका जो टच पैड आता है उसका, जो कि अभी अवेलेबल हो जाएगा मई में। और वैसे वो ट्रैक पैड का कुछ उतना ज़रूरत है नहीं यार, लेकिन आप अगर चाहते हैं, अगर आपके ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री काम है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। उसमें क्या है कि बस आपको ब्लूटूथ में जाना है, सेटिंग्स में जा करके आप ब्लूटूथ में गए, आपको बस उसका ब्लूटूथ ऑन करना है, अगर माउस है या फिर ट्रैक पैड है। ऑन करने के बाद आपका यहाँ पे नाम उसका जो डिवाइस नेम है आ जाएगा, बस आपको क्लिक करना और ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहीं से आपका उसका सेटिंग्स सब कुछ कस्टमाइज होगा। और जो ट्रैक पैड में क्या है कि जो आपका जो जो आप काम स्क्रीन पे करते हैं, टच जैसे यूज़ करते हैं, सेम सब कुछ वही है, बस वो अलग से एक डिवाइस है, उस पर आप जैसे करेंगे आईपैड में वैसा होगा, बस और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और जो अपडेट आया है उसमें फोल्डर को लेके, फाइल्स में आप शेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे शेयर का बटन आ गया है, आप इसको फोल्डर को शेयर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आप पीपल ऐड करके आप उसको डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारा कस्टमाइजेशंस हुए हैं बहुत सारे ऐप्स में। फिर हो गया आपका इसका 2-3 फीचर्स स्पेशली आईपैड प्रोज के लिए हैं, जो कि कीबोर्ड रिलेटेड है। उसमें क्या है कि जो एप्पल का जो कीबोर्ड आता है स्मार्ट कीबोर्ड, उसके ऐसा जो फोन टैब का आईपैड प्रो का जो अंदर का कीबोर्ड होता है उसको उसी जैसा पूरा डिज़ाइन किया गया है, ये रहा। और आपका एक और जो है सबसे खास बात, वो आपका इमोजीज है, कुछ न्यू इमोजीज आए हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। इमोजीज चलिए इमोजीज यहाँ देख सकते हैं आप, तो बस यही है कुछ इमोजीज जो नए इमोजीज आए हैं, देख सकते हैं मैक के साथ, और ये हर्ट वाला पहले नहीं था अभी आया है। अटैचमेंट के रूप में इसको सेंड करते हैं बस। और फिर आपका ईमेल में कुछ बग फिक्स हुआ है, आप कैमरा में कुछ बग फिक्स हुआ है, जो कि जाना कुछ ज़रूरी नहीं है, बस आप जान सकते हैं इतना कि स्टेबल हो चुका है डिवाइस काफ़ी हद तक। मे बी फ्यूचर में भी कुछ अपडेट आए एक दो बग्स फिक्स करने के लिए। और एक बतौर आपका ऐप स्टोर में एक नया फीचर ऐड हुआ है कि अगर आप किसी ऐप को परचेज़ कर रहे हैं आईपैड में या आईफोन में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप आईपैड में एक परचेज़ पे आईपैड आईफोन और मैक में यूज़ कर सकते हैं उसको, अगर जो डेवलपर है ऐप का वो अगर अलाउ करता है तो। अगर डेवलपर अलाउ कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक परचेज़ में अपने सारे डिवाइसेस में एक अकाउंट से यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और एप्पल आर्केड में कुछ है अपडेट्स, उसमें कुछ फिक्स किया गया, तो वो तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो बस आपको बता दिया उसमें कुछ है जो आया है अपडेट, बस इतना ही जो ज़रूरी था मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा।